अब आप मुझे चुप नहीं करवा सकती। अब आपका राज खुल चुका है मम्मी। तश्करान एम्पायर बिल्कुल हर तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, समझी आप? वक्त कैसे तेजी से गुजर रहा है नजीब। दिन दिनों को और साल सालों को चेस कर रहे हैं। दो दिन बाद चिनार 28 का हो जाएगा। कितने लंबे हैं ये 28 साल, कहने को बहुत आसान लगते हैं। बोलने में आसान तो है लेकिन दिल का दर्द है इकबाल मैडम। इकबाल मैडम, मेरी आंखों का नूर, इजाजत दें कि इस बर्थडे पर मेरे बेटे का गिफ्ट हकीकत हो। उसका अंकल बनकर नहीं, उसका बाप बनकर उसे गले लगाऊं। क्या तुम्हारी अकल घास चरने गई है नजीब? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इस मसले को हमने बार बार डिस्कस नहीं किया क्या? हर दफा तुमने मुझसे कहा कि हाँ मैं ठीक कह रही हूँ। कहा था लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। सोचो, अगर किसी ने सुन लिया तो लोग किस नजर से मुझे देखेंगे और तुम खुद किस सिचुएशन में पड़ जाओगे। चलो, जो कुछ माजी में था वो सब कुछ मैंने पीछे छोड़ दिया है। इसका नतीजा क्या निकलेगा? चिनार को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैं अपने बेटे की शक्ल फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। मेरी बात सुनो बेहुदा लड़की, अगर तुम अब इस मलबे के नीचे नहीं रहना चाहती हो तो तुम चुप रहोगी। तुम्हें लग रहा है कि मुझे नहीं पता तुमने क्या खेल खेला है? लाले और चिनार को तुम अलग कर दोगी और चिनार तुम्हारा हो जाएगा। ऐसा ही है ना? मैं तुम्हें कभी इसकी इजाजत नहीं दूंगी। आपसे इजाजत मांग कौन रहा है? बस आप आगे आगे देखिए होता है क्या। बास दफा आपका दिल ऐसे सॉफ्ट हो जाता है कि आप आगे की चीजें नहीं देख पाते, कुछ सोच नहीं पाते हैं। क्योंकि मैं दर्द झेल रहा हूं इकबाल मैडम। अपने बेटे से इतने करीब होने के बावजूद भी इतनी दूर होना मुझ पर बहुत भारी पड़ रहा है। तुम्हारे साथ वाले कमरे में अकेले जीने से, लेकिन जब उसका फूल जैसा चेहरा मेरे सामने आता है तो मुझसे रहा नहीं जाता। इकबाल मैडम, मैं थक गया हूं अब। तुम्हारी एक कसम की वजह से, तुम्हारी भी, तुम दोनों की हसरत लेकर अपनी आंखें बंद कर लूंगा। ये वबान सिर्फ मेरा नहीं है नजीब। बस ये जान लीजिए कि इस टॉपिक को अगर आपने फिर से खोला, मैं अपने बेटे की कसम खाती हूँ मैं चली जाऊंगी। फिर मेरे चेहरे की भी हसरत रह जाएगी। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? आप बताएं, आप यहाँ क्या कर रही हैं भाभी? भाई, क्या बातें हो रही हैं छुपकर? वो चिनार की बर्थडे है ना दो दिन बाद, तुम्हें याद है? तुम्हारे भाई उसके अंकल होने के नाते उसको एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने का सोच रहे थे, हम उसी की बात कर रहे थे। अच्छा, क्या हो सकता है? मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है। वो एक स्पेशल गिफ्ट है, बर्थडे वाले दिन सबको पता चल जाएगा। खुदा की कसम भाई, इस महल में हमें हर दिन एक नया सरप्राइज मिल रहा है। देखते हैं आपका वाला भी कितना सक्सेसफुल रहता है। भाभी, सर अंदर चलिएगा। रेहान, तुम्हारे भाई ने मुझे भी नहीं बताया कि वो चिनार के लिए क्या लेने वाले हैं। ओह भाभी, छोड़े भी भाई की गिफ्ट वगैरह की कहानी। नहीं, मुझे क्या पता, तुम अचानक सामने आ गई, मुझे लगा हमारी बातें सुन रही थी। तुम्हारी पुरानी आदत है ना। मैं क्या सुनूंगी आपकी बातें, मैं तो आपकी हर बात जानती हूँ। मेरी नजर तश्करांस पर है। क्या हुआ तश्करांस को?
मैंने चेक किया है, घर में सिर्फ इकराम और करीम हैं, बाकी सब ने जगह छोड़ दी। जाहिर है, शाम को खाना भी किसी ने नहीं खाया था। लड़का भी इधर उधर है अपनी बीवी की तलाश में, बड़ी बहन के साथ साथ छोटी बहन भी गायब है। यानी यही टाइम है। मतलब? भाभी हमने बात की थी ना, हम ऑपरेशन करने वाले थे। हाँ हाँ चलो चलें। देखो वो सामने है गाड़ी, और तेज अनस और तेज चलाओ। ठीक है मैडम। जल्दी इस गाड़ी का पीछा करो। अच्छा। जल्दी जल्दी पीछा करो। लाले, स्वीटी, देखो ऐसे मुंह फेर कर जाने से तुम कुछ भी हल नहीं कर सकती, मेरी बात सुनो। माय डियर लाले, मेरी जान, बात सुनो, मुझे एक्सप्लेन करने दो। क्या एक्सप्लेनेशन? हाँ, मेरे हस्बैंड और आप, मेरे पापा के कातिल हैं आप दोनों। मेरे पापा आपकी वजह से मरे। तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता है जो शौक तुम्हें लगा है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही हो। चनार बेकसूर है, जो हुआ है उससे उसका कोई वास्ता नहीं है। हर चीज में मिस्टर नजीब का कसूर है। आप फालतू में स्ट्रगल कर रही हैं। स्वीटी, अब मैं झूठ सुनना नहीं चाहती हूँ, समझी? तुम्हें सुनना पड़ेगा ये। मिस्टर नजीब जब तुम्हारे रिश्ते के लिए आए थे तो उन फोटोग्राफ्स को भी लाए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा, यानी आपको सब शुरू से ही पता था और आपने मुझसे झूठ बोला? आप में और उन लोगों में क्या फर्क रह गया है मॉम? तुम क्यों समझना नहीं चाह रही हो? मतलब चिनार के बेकसूर होते हुए क्या मैं तुम लोगों की खुशी में रुकावट बन जाती? तुम्हारा हस्बैंड बेकसूर है, कम से कम वो तुम्हारे जितना मासूम है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं इतने झूठ में आपका कैसे यकीन करूं, बताइए मुझे, समझाइए। तुम ठीक कह रही हो, मैंने बहुत मिस्टेक्स की है। मैं तुम्हारी माँ हूँ लाले। जब तुमने मुझे चिनार के बारे में बताया, मैंने रिसर्च की थी। वो माजी में यहाँ नहीं था, अमेरिका में पढ़ रहा था। क्या ये सब सच है? हाँ स्वीटी, ये बिल्कुल सच है। मैंने तुमसे बहुत झूठ बोले हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड ने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला। ये जो हो रहा है उसकी खबर उसको नहीं है, उसके अंकल की करतूतें, धमकियां, उसको कुछ पता नहीं है। अल्लाह तेरा शुक्र है। अगर चिनार भी इन सब में मुलव्वस होता तो मैं कैसे बर्दाश्त करती? चलो मेरी जान, घर चलते हैं, चलो। आओ आओ, मैंने इससे पहले भी ये सब देखा है। आई गुनाह है, खुदा की कसम ये सब गुनाह है। यहाँ का हाल तो देखो, इस घर में क्या बरकत आएगी? ये लो लड़की, उठाओ यहाँ से ये सब, लेकर जाओ इसे भी, ले जाओ, गंदगी का ढेर। मैं बता दूं कि जब तक हम यहाँ हैं हम दूसरी दुनिया में जहन्नुम में ही जाएंगे। अल्लाह माफ करे। क्या मैंने गलत कहा? गजब है लड़की, हमारी छत के नीचे काफिरों का ये पानी नहीं मिल सकता। आओ जल्दी आओ, ये सब भी ले जाओ जल्दी जल्दी यहाँ से। ठीक है, चिनार भी मेरे जितना मासूम है, लेकिन आप भी मिस्टर नजीब जितनी कसूरवार। बाबा को तो शफीक से रिलेटेड जो हुआ उसकी खबर नहीं थी मॉम। आप ऐसी डिस्कस्टिंग चीजें अगर नहीं करती तो मिस्टर नजीब बाबा को थ्रेटन नहीं करते। आप दोनों ही कसूरवार हैं। क्योंकि अब तुम सब जान चुके हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारे पापा को शफीक के बारे में खबर थी, हत्ता के ये रिलेशनशिप उन्होंने ही बनाई थी। ये आप क्या कह रही हैं मां? तुम्हारे बाबा और मैं घर में रहते हुए भी अलग थे, और जब हमारे बीच का इश्क खत्म हो गया तो उनकी जिंदगी में कोई और आ गया। मतलब हमने एक खामोश माहदा कर लिया था। तुम समझ जाओगी, तुम्हारे बाबा को शफीक के साथ मेरी रिलेशनशिप परेशान बिल्कुल नहीं करती थी। उसके बारे में किसी को पता चले ये बात उन्हें परेशान करती थी।
अगर वो नजीब नामी आदमी तुम्हारे बाबा को थ्रेट नहीं करता तो तुम्हारे बाबा अभी जिंदा होते। चलो मेरी जान, चलो जो भी हो घर चलते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ। प्लीज शर्मीन। आ गई घटिया बेहुदा। हाय वो देख ना ले, जल्दी जल्दी। आई मेरी नाक में चढ़ गई है सारी लड़की, इसकी बदबू हमारे जिस्म से ना आए। ओहो भाभी बेकार की बातें ना करें। शर्मीन शर्मीन जल्दी मेरे कमरे में आओ जहाँ भी हो। ओह ओह उफ तुम क्या हंस रही हो लड़की, चलो दूसरी भी खोलो। उफ ओह बोले यास्मीन मैडम। सेलेक्ट करो। तुम इनमें से कुछ चूज करो। ऐसा करो एक जूतों का जोड़ा और बैग भी सिलेक्ट कर लो। माफ कीजिएगा मैं समझी नहीं। फालतू में सवाल मत करो शर्मीन, जो मैंने कहा है वो करो। ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये मत लो। तो ये सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है आफरीन, बहुत अच्छा सिलेक्शन है। मैंने तुम्हें खुश किया और अब तुम एक काम से मुझे खुश करोगी। अगर तुम्हें याद हो तो कल रात को लाले की बारात की सीडी के नाम पर एक कार्टून मूवी चली थी। जी मुझे याद है यास्मीन मैडम। वैसे असल में कोई और सीडी आई थी कल रात हमारे घर पे शर्मीन। मुझे बिल्कुल नहीं पता इस बारे में। ऑफ कोर्स तुम्हें पता नहीं होगा, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। मॉम ने वो सीडी छुपा दी थी और उसके बदले में हमने कार्टून मूवी देखी थी। शर्मीन चाहे उस सीडी के पीछे तुम इस घर को उलट पुलट करके रख दो, लेकिन मुझे वो सीडी हर हाल में चाहिए। यास्मीन मैडम मेरा यकीन करें मुझे कोई आइडिया नहीं, मतलब जमरुद मैडम ने उसे कहाँ रखा होगा मुझे नहीं पता। चलो ठीक है शर्मीन, इन्हें रहने दो यहाँ। तो अब अगर तुम्हें सीडी मिल जाए या पता लग जाए कि किस जगह मॉम ने छुपाई है, या तुम्हें कहीं से पता चल जाए और तुम्हारे हाथ लग जाए, तो फिर आकर सीडी मुझे दे देना और ये सब कुछ उसके बदले में ले जाना। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, वो सीडी में ढूंढ के रहूंगी। इजाजत दें। थैंक यू सो मच शर्मीन, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। तुम क्या करने का सोच रही हो लाले? मेरे ख्याल से चुप रहो, चिनार तक से मत कहना स्वीटी। मैं चुप नहीं रह सकती। एक लंबे अरसे से मैं ये जानना चाहती थी कि मेरे पापा क्यों मरे, और जब भी मैंने ये सोचा मैं अंदर से टूट गई। अब उस कातिल के साथ एक ही घर में मैं चुप नहीं रह सकती हूँ मॉम। चलो ठीक है कह दो, चिनार भी अपने अंकल से कह देगा, फिर खून खराबा हो जाएगा, यही चाहती हो? तो मैं क्या करूं? इतनी सारी नफरतें कैसे दबाऊं मैं? उस आदमी की शक्ल तक कैसे देखूं? एक ही टेबल पर कैसे बैठूं? जैसे मैं कर रही हूं ना लाले, वो भी काफी अरसे से, उस आदमी को सामने देखकर भी बर्दाश्त करती हूं। मैं आपकी तरह नहीं हूं मॉम, जो पैसों के लिए बिक जाए। क्या कहा तुमने? जल्दी से ये गाड़ी रोको। मैंने तुमसे कहा कि फौरन ये गाड़ी रोको। मैंने तुमसे कहा कि रोको इस गाड़ी को। रोको, रोको इस गाड़ी। आप क्या कर रही हैं मॉम? आप क्या कर रही हैं? मैं बिकाऊ नहीं हूँ। तुम्हारा मुझे मुसलसल अक्यूज करने से, ऊपर चढ़ाई करने से थक गई हूँ। तुम लोग सोच भी नहीं रहे हो कि मैं क्यों कर रही हूँ। आखिर क्यों कर रही हैं आप ये? बोले मॉम, क्यों हर चीज पे आप चुप हैं अभी तक?
हमारे साथ जो उन्होंने किया है उसका इंतकाम लेना चाहती हूँ। जो चीजें उन्होंने हमसे चुराई है वो वापस लेना चाहती हूँ। तुम्हारे बाबा का खून जाया ना हो ये चाहती हूँ। अगर ये करना बिकाऊ बनाता है तो हाँ मैं बिकाऊ हूँ। जो आप कह रहे हैं ये करने के लिए वो क्या फायदा पहुँचाएगा? बाबा नहीं है, उनको कोई भी इंतकाम वापस नहीं ला सकता। तो ऐसा है, नीचे उतरो। क्यों? उतरो, मैंने तुमसे कहा जल्दी नीचे उतरो। नीचे उतरो, नीचे उतरो। आओ, क्या पागल हो गई हैं? क्योंकि तुम्हारे बाबा नहीं आ सकते तो हम उनके पास चलते हैं। मॉम, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा लड़ाई करने को। अपने आप को नीचे फेंक देते हैं, आओ। हाँ मॉम, क्या होगा? चलो आओ, कोई काम नहीं बचा, छलांग लगा लेते हैं। चलो छलांग। आप ठीक नहीं है, आप ठीक नहीं है। कम डाउन स्वीटी। वेलकम जमरूद मैडम। गुड इवनिंग। लाले कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की? मेरे दिमाग में इतने बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। मैं बहुत थकी हुई हूँ बस। बहू, हमें लगा तुम कहीं गुम हो गई थी, कहाँ थी तुम? डियर चिनार, लाले बहुत थकी हुई है, तुम इसे ऊपर ले जाओ प्लीज। चलो लाले, ऊपर चल के आराम करते हैं। चलो डियर लाले। क्या हुआ लाले, क्या बात है, कहाँ थी तुम? सलाम वगैरह भी नहीं किया, ये शर्म की बात है। मिस्टर नजीब, बिना समझे बिना बात के आप तो बिल्कुल। लाले की एक दोस्त बीमार हो गई है इसलिए वो अफसरदा है। ऑफ कोर्स एटीट्यूड आपके लिए नहीं था। अच्छा ऐसा है क्या? सब ठीक हो जाएगा। गुड इवनिंग इकबाल मैडम। गुड इवनिंग जमरूद मैडम। क्या आप लोगों ने डिनर कर लिया है? हम लोगों ने डिनर कर लिया। जमरूद मैडम, मैं आपसे एक चीज कंसल्ट करना चाहता हूँ। वाकई में मैं बहुत तजस्सुस में हूँ। चले ऊपर चलते हैं। चले मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बेहया औरत नहीं देखी। बिना किसी परेशानी के इतने बड़े मर्द का हाथ पकड़ लेती है जलवे दिखा दिखा के। आप ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी? बैचलर आदमी है और उनकी उम्र को देखते हुए बिल्कुल बुरा नहीं है। हो सकता है कि जमरूद भी डोरे डाल रही हो। बकवास मत करो रिहान, नजीब को अगर पता चल जाए तो वो तो जहन्नुम में चले जाएंगे, उस औरत की शक्ल तक नहीं देखेंगे। जी मैं आपको सुन रही हूँ। मेरी आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है जुमरत मैडम, आपके ख्यालात को, आपके जीने के स्टाइल को अगर मैं ना भी मानूं तो आपका एक बहुत फाइन टेस्ट है, मुझे मानना पड़ेगा। थैंक यू। चिनार का बर्थडे आ रहा है। ओह अच्छा, कितनी अच्छी बात है। मैं उसके लिए खूबसूरत गिफ्ट लेना चाहता हूँ, अगर आप मेरी मदद करेंगी तो मुझे खुशी होगी। ऑफ कोर्स, अगर आप चाहते हैं तो आपके साथ में शॉपिंग पर चलूंगी। यकीनन आप चिनार का टेस्ट मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे। काश मैं जा सकता, लेकिन इस हफ्ते मेरा काम बहुत ज्यादा है। मैंने सोचा आपके पास टाइम होगा, मेरे बदले चिनार के लिए कि आप एक गिफ्ट चूज कर सकती हैं। ऑफ कोर्स, लेकिन उससे पहले आपको कुछ टिप्स देने होंगे मुझे। चिनार किन चीजों से खुश होता है, किस में इंटरेस्ट शो करता है? ये तो आप जानती हैं कि वो आर्टवर्क में इंटरेस्टेड है, उसने पेंटिंग भी इसी इंटरेस्ट की वजह से खरीदी थी। कल एक बहुत बड़ी ऑक्शन है दोपहर में और मुझे भी उसकी इनविटेशन आई है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बदले आप वहाँ शिरकत कर लीजिए, मुझे यकीन है कि आप वहाँ सबसे अच्छा तोहफा पसंद करेंगी। आप कितने थॉटफुल हैं चिनार का, आपके जैसे अंकल होना मेरे ख्याल से उसके लिए फखर की बात है।
मेरा बर्थडे भी करीब आ रहा है मिस्टर नजीब, मेरे लिए आप क्या लेंगे? क्या हुआ, क्या मैंने आपको डरा दिया? ऑक्शन कल दोपहर में है, अगर आप अपना प्रोग्राम इसी के मुताबिक सेट कर लेंगी तो मुझे खुशी होगी। क्यों नहीं खुशी से। चिनार एक बात पूछूं? जरूर पूछो। क्या तुमने मुझसे कुछ झूठ बोला है? क्यों पूछ रही हो अभी? प्लीज मेरे सवाल का जवाब दो, क्या कोई बात तुमने झूठ बोली है? तुम्हें अमेरिका ना भेजकर मैं इतनी पशेमान हूँ कि क्या बताऊँ। तुम मुसलसल परेशानी बन रही हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपने करतूतों पर? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? आप मुस्तकिल एक ही बात कर रही हैं। यकीनन मिस तो कुछ हुआ नहीं होगा। तो फिर अपनी मोटी अकल में ये बात डालो कि चिनार और लाले कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, और जिस जिंदगी की तुम्हें आदत है उसे तुम्हें हमेशा के लिए खैरबाद कहना पड़ेगा। तुम क्यों चुप हो चिनार? जवाब तो कुछ झूठ बोला है तुमने? हाँ। किस बारे में? हालुक अंकल से मैं नहीं मिल पाया, वो जर्मनी गए हुए हैं फैमिली से मिलने, और तुम इस टॉपिक के बारे में बहुत सेंसिटिव हो, इस वजह से मैं तुम्हें कुछ कह नहीं पाया। सॉरी। तुमसे प्यार करती हूं मैं चिनार, बहुत प्यार करती हूं तुमसे। लाले मेरी जान हो तो। क्या हुआ शर्मीन, क्या तुम्हें सीडी मिली? नहीं यास्मीन मैडम, मैंने हर जगह ढूंढा पर नहीं मिली। तो फिर क्या, इस तरह तो वो जूते और पर्स हमेशा के लिए भूल जाओ तुम। डियर लाले, काश तुम भी चल पाती, चिनार के लिए गिफ्ट देख लेती। मॉम मैं बाद में आऊंगी, चिनार ने मुझे कंपनी बुलाया है। मॉम जरा आइएगा, आपके दिमाग में क्या चल रहा है प्लीज मुझे बताएं। मॉम मैं उस आदमी की करतूतों का हिसाब जानना चाहती हूँ। स्वीटी काम डाउन, आज शाम मैं कैसरी जाऊंगी। क्यों? उन्होंने हमारे फैमिली सीक्रेट्स को ओपन किया, हम भी उनके साथ यही करेंगे। हर किसी के वासे में कुछ ना कुछ दफन होता है, लेकिन अभी जो भी कुछ हो वासे मत करना। अभी तो मैं जाके मिस्टर नजीब की रिक्वेस्ट को पूरा कर दूं, मुझे ये वाला काम सबसे पहले करना होगा। उस आदमी का नाम सुनते ही मुझे बहुत गुस्सा आता है। ठीक है लाले, सबर करो प्लीज। सुनो, अगर तुम कोई गलत कदम उठाओगी तो हमें और चिनार को भी अफसोस होगा। मैं तुमसे वादा कर रही हूँ कि हम इस काम में जरूर जीतेंगे। लाले बोलो। यास्मी आई एम सो श्योर जमरुद मैडम ने तुम्हें फिर से अपने जेरे असर कर लिया होगा, है ना? क्या पता क्या क्या झूठ बोले होंगे तुमसे। प्लीज यास्मी, झूठ वूठ नहीं कहा, चिनार का भी कसूर नहीं है। मैंने गलत चीजें कैसे सोच ली नहीं मालूम मुझे, वो उस वक्त नहीं था यहाँ। हर चीज मिस्टर नजीब ने प्लान की थी, चिनार अमरीका में पढ़ रहा था। अगर तुम ये कह रही हो बाद में तुम्हें अफसोस नहीं होना चाहिए। अच्छा अब मेरा जाना जरूरी है, बाद में मिलते हैं।
देखते हैं, चिनार ने तुम्हारी बहन को एक रात गले लगाया था, ये जानकर तुम खड़ी रह पाओगी या नहीं। खुशामदीद मेरी जान। कहाँ जा रहे हैं? बताओ। वो मत पूछो, वो सरप्राइज है। समृद्ध मैडम, वेलकम। मैं स्पेशलिस्ट हूँ अमृति गाय, मुझे आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। आइए मैडम, अंदर चलें। इधर जमरुद सुल्ताना भी आ गई। ये लीजिए मैडम। थैंक यू। फौरन शुरू करते हैं जमरुद मैडम, हार्ड वर्क ले आए प्लीज। मैडम ये आर्ट वर्क हमारे ऑक्शन के सबसे कीमती चीजों में से एक है। हमारा वाला पीस कौन सा है? ये कवर के नीचे वाला मिस्टर नजीब। इसका मतलब वायरल? वो देखेंगी नहीं तो लेंगी कैसे? क्या मैंने तुमसे इस तरह करने को कहा था? गुस्सा मत करें मिस्टर नजीब, जुमरत मैडम जब खड़ी होंगी तो हम इस कवर को खोल देंगे। फिर पहले हम ये कहेंगे कि ये बिक चुका है, ताकि उनकी ख्वाहिश और भी बढ़ जाए, वो और भी एम्बिशियस हो जाएंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें मिस्टर नजीब, वो नेकलेस लिए बगैर जमरूद मैडम यहाँ से नहीं निकलेंगी। अच्छा है, ये चीज एक प्रेशर होगी। ले जा सकती हैं। मैडम आप इन तमाम चीजों में से क्या लेना चाहेंगी? असल में चिनार के लिए अगर एक पेंटिंग ले लूं तो बेहतर होगा, लेकिन ये वो फैसला नहीं हो रहा। ये प्रोग्राम सेट करते हुए हर चीज कैलकुलेटेड थी, तुम्हें पता है ना? वादा करता हूँ तुम्हारा नाम नहीं आएगा। ना आपको ना अपने आप को हम आग में फेंकेंगे मिस्टर नजीब। आप तो जानते हैं कि हम अपना हर काम कागज के ऊपर करते हैं और हर प्रेजेंटेशन को कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं। जुमरत मैडम बिल्कुल कानूनी तौर पे मिस्टर चिनार के लिए गिफ्ट लेंगी, और जो गिफ्ट लिया होगा उसका बिल आपके नाम पे होगा। लिहाजा जब कोई कागज ही नहीं होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बिल्कुल परेशान मत हो मिस्टर नजीब, सब हम पे छोड़ दें। क्या बात है तुम्हारी एरोल। ये मेरे लिए नहीं है, मेरे एक दोस्त की रिक्वेस्ट पर मैं यहाँ हूँ, उसकी गैर मौजूदगी में ले रही हूँ। ये ज्यादा ओरिजिनल है और इसके खरीदार भी बहुत हैं। मैं आपकी पसंद को अकाउंट में ले रही हूँ। हाँ ये दे दें। थैंक यू मिस्टर अमर। यू आर वेलकम। एक मिनट रुकिएगा। आपने पहले ये मुझे क्यों नहीं दिखाया? समृद्ध मैडम ये पहले से बुक है।
पहली प्रेजेंटेशन तो मेरी होने वाली थी। ये सच है जमरूद मैडम, लेकिन ये आर्ट वर्क हमारे प्रेजेंटेशन में आया ही नहीं। हमारे एक बहुत ही स्पेशल क्लाइंट के लिए हमने फ्रांस से मंगवाया है, माफ कीजिएगा। अफसोस है मिस्टर अहमर, मुझसे ज्यादा स्पेशल कौन हो सकता है। मैडम हम अपने क्लाइंट के नाम कभी जाहिर नहीं करते, माफ कीजिएगा मैडम, ये सब मेरे हाथ में नहीं। मत करें ऐसा, हर वक्त कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। मैं ये पीस लेना चाहती हूँ, मुझे पूरा यकीन है इसके लिए जो भी आपको करना होगा आप करेंगे। आप मायूस नहीं करेंगे, दोनों को ही डिलीवर करवा दें, वो और ये। थैंक यू। हो गया काम मिस्टर नजीब। ओ तो फिर मैडम का इंतजार करना हमें सूट नहीं करेगा। जो पीसेस उन्होंने सिलेक्ट किए हैं उन्हें फौरन महल भेज दें। इस रिकॉर्डिंग का क्या होगा? आप देख रहे हैं जमरूद मैडम ने जो पीस चाहा था उसे लिया और अब जा रही हैं। और इसका बाकी हिस्सा कहाँ है? अब नहीं है, ना ही तो ऐसा कोई नेकलेस था और ना ही जमरूद मैडम ने उसे हमसे खरीदा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये कौन सी जगह है चिनार? डार्लिंग एनर्जी को अपने हाथ में करने के लिए यहाँ एक बहुत बड़ा डैम बनवाएंगे। इस पूरे हिस्से पर हमने काम शुरू करवा दिया है। ये तो बहुत बड़ा काम लग रहा है। हाँ, ये बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में हम तुम्हारी कंपनी के साथ काम करेंगे। तुम सीरियस हो क्या? हाँ लाले, मैं वाकई सीरियस हूँ। ये डैम बनाते हुए हमें नए रास्तों की जरूरत पड़ेगी। ऊपर से इसकी इलेक्ट्रिकल लाइन है, पाइप लाइन है और कंस्ट्रक्शन के पास हमें एक छोटी हाउसिंग की भी जरूरत होगी। तो इस सिचुएशन में ये सब बनाने के लिए हमें तुम्हारी कंपनी के साथ एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। ये तुम हमारी कंपनी को बचाने के लिए कर रहे हो ना चिनार? हरगिज नहीं, ऐसा मत सोचो। ये एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है और वैसे भी तुम्हारी कंपनी के साथ नहीं तो मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी के साथ करना होगा। तो क्यों ना अपनी डार्लिंग की कंपनी के साथ करूं? थैंक यू वेरी मच डार्लिंग, सीरियसली बहुत शुक्रिया। डार्लिंग और जाओ। तुम जाग गई हो? ऑफ कोर्स मैं जाग गई हूँ। तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार किया है, आज तुम बर्थडे बॉय हो। अगर तुम मेरे साथ हो तो मेरा हर दिन हसीन है। ये लो। चिनार। कहो डार्लिंग। कभी कभार मैं चाहती हूँ कि दुनिया में सिर्फ मैं और तुम रह जाएं। इस कमरे से बिल्कुल बाहर नहीं निकले, कुछ भी और कोई भी हमें ना तंग करे और ना ही हम तक पहुंच सके और ना नुकसान दे। फिकर मत करो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम बूढ़े भी हो जाएं तो हमारा प्यार हमेशा जवान रहेगा और जिंदगी भर में तुम्हें खूब प्यार करूंगा। चिनार तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने का। शर्मीन, अब तो 2 दिन हो गए हैं, कब मिलेगी वो तुम्हें मनु सीडी? मुझे मिल गई है यास्मीन मैडम, थोड़ा सा इंतजार करें। गुड मॉर्निंग नजीब। इकबाल मैडम गुड मॉर्निंग, आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। बर्थडे की वजह से एक्साइटेड हैं? नींद नहीं आई ना? मत पूछिए नजीब, मैं सोच रही थी कि शाम में लड़के की बर्थडे की खुशी में एक 4-स्टार टाइप टेबल सजा दूं, क्या ख्याल है? अच्छा होगा। वो जमरत चुड़ैल कहाँ है कि वो अभी तक वापस नहीं आई अपनी सैर से? नहीं वो अभी नहीं आई। उस चुड़ैल का काम अगर आप तमाम कर देते तो सेलिब्रेशन पूरा हो जाता। नेकलेस तैयार है, उसके कमरे में रख दिया है, जमरूद भी नहीं है।
लाले से पूछते हैं, शायद वो जानती हो कि उसकी माँ कब वापस आएगी। कल आप सो रही थी इसलिए मैंने आपको परेशान नहीं किया। अमेजिंग। यास्मीन मैडम। बोलो मेरी जान। जो चीजें आपने दिखाई थी क्या मैं वो ले सकती हूँ? ऑफ कोर्स, लेकिन अफसोस सिर्फ जूते, क्योंकि तुम जानती हो देर की वजह से तुमने दूसरी चीज खो दी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग बाहर जा रहे हैं। और नाश्ता? अम्मी जान, लाले ने आज मेरा नाश्ता बिस्तर पे लगा लिया था, मैंने खा लिया। क्या तुमने बिस्तर पर खाना खाया है? गुनाह है ये बेटा, तुम मुश्किल में पड़ रहे हो। क्या मुश्किल में पड़ना अम्मी, ऐसे मत बोले। बहू, आज चनार का बर्थडे है, तुम्हें उसकी खबर भी है कि नहीं? मुझे खबर है इकबाल मैडम। जिस तरह तुम लोगों ने शादी की थी बगैर एक दूसरे को जाने पहचाने, मुझे लगा कि तुम नहीं जानती होगी। अम्मी, आप फिर शुरू हो गई हैं। जाने दो चनार, मैंने तो पार्टी भी अरेंज कर ली है। कैसी पार्टी? आज रात हम अपने क्लब में सेलिब्रेट करेंगे। चनार को मैंने पैदा किया है, 28 साल तक हर बर्थडे मैंने उसके साथ मनाई है। सेलिब्रेशन घर पर होंगी और मैं भी अपने बेटे के आसपास रहूंगी। अम्मी जान, आप लोग भी आ सकते हैं पार्टी में, इस तरह हर कोई एक दूसरे के साथ होगा। बहू, हमें तुम्हारे मॉम की फिक्र हो रही है, वो कब आएंगी? वो अपने दामाद की बर्थडे में आएंगी हर हाल में, है ना? आज रात प्लेन से आएंगी मिस्टर नजीब, क्योंकि हमारी फैमिलीज भी शिरकत कर रही हैं, तो ऑफ कोर्स मेरी मॉम भी शामिल होंगी। अब इजाजत दीजिए, हम चलते हैं। पार्टियां, बिस्तर पर खाना खाना, ये सब हरकतें, गुस्सा दिला दिया ना मेरे बेटे को। मैं इस पार्टी को इनके लिए एक मिसाल बना दूंगा, आप फिक्र मत करें। उस रात में इतने नशे में थी, मुझे समझ तक नहीं आया कैसे हुआ। मैं अपने कमरे में जाना चाहती थी बस, लेकिन मैं अपने पांव पे खड़ी नहीं हो पाई। फिर मैं गिरने लगी थी और चिनार को पकड़ना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे गले से लगा लिया। उसने कहा कि वो मुझ पर आशिक है, वो हमेशा से यही चाहता था। जैसा तुम उसको समझती हो वैसा नहीं है वो। मॉम ने तुम्हें धोखा दिया है। ठीक है, शायद वो हमारे पापा का कातिल नहीं हो, लेकिन उसका इश्क झूठा है, वरना वो मुझे गले क्यों लगाता? वैसे भी ये सब कुछ होने से पहले मैं अपनी जान देना चाहती थी। अब तुम्हें सच्चाई जानना जरूरी है मेरी बहन, मुझे अफसोस है। सुपर ऑसम। मेरी प्यारी बहन को और प्यारे बहनोई को यास्मीन की तरफ से ये हम्बल बर्थडे प्रेजेंट।